हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पीएम फ्लेक्स ऑफ कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो क्या है नमो भारत, इसका नाम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTs ऑन फ्राइडे, कॉलिंग द नमो भारत ट्रेन अ ग्लिम्स ऑफ द इंडियाज प्रोमिसिंग फ्यूचर। मिस्टर मोदी परचेस्ड अ टिकट एंड टुक अ राइड with school children on the 17-kilometer stretch of the Sahibabad to Duhai depot in Uttar Pradesh. The full 82-kilometer Delhi-Ghaziabad Meerut corridor is scheduled to be functional by 2025. तो ये इसमें फंक्शनल हो जाएगा, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, इसका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्या है प्रोमिसिंग फ्यूचर इंडिया का, देखते हैं क्या है। द नमो भारत ट्रेन इज डिफाइनिंग अ न्यू जर्नी ऑफ न्यू इंडिया एंड इट्स रेजोल्यूशन। द दिल्ली मेरठ स्ट्रेच इज जस्ट द बिगनिंग एज द फर्स्ट फेज विल सी मेनी एरियाज ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान बींग कनेक्टेड। इन द कमिंग डेज अ सिमिलर सिस्टम विल बी क्रिएटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड क्रिएट न्यू एवेन्यूज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मिस्टर मोदी सेड एड्रेसिंग द गैदरिंग आफ्टर द इवेंट। तो अभी तो यहाँ पे करेंगे, उसके बाद पूरे इंडिया में भी करेंगे। क्या करेगा, कनेक्टिविटी इम्प्रूव करेगा, एम्प्लॉयमेंट ले आएगा। pointing out that he had laid the foundation stone of the project 4 years ago, 4 साल पहले इस project का foundation stone डाला था इन्होंने, and how come back to inaugurate it, ठीक है। Mr. Modi said that his government delivered what it had promised, इनके government ने वो deliver कर दिया जो इन्होंने promise किया था। ओ, election आ रहा है ना, भूल गया था। The rest of the project will be completed in 1.5 years, सारा project 1.5 साल में आगे complete होगा। After that time also, I will be present at your service, उसके बाद भी मैं आपके सर्विस में हाजिर रहूँगा। इसमें आप समझिए, 2024 में इलेक्शन होने वाला है, प्रोजेक्ट कंप्लीट, अभी साल भर बचा है इलेक्शन होने में। साल भर क्या मैं बोल रहा हूँ, 8 महीना बचा है, 9 महीना बचा है इलेक्शन होने में। ये बोल रहे हैं 18 महीने बाद भी मैं आपके सर्विस में रहूँगा। कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे की, ये होती है कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी देखो, ऐसा बनो, ठीक है। इधर एक टेस्ट में कम नंबर आ गए तो रोने लगते हैं, अरे भैया कैसे होगा, ऐसे बनो यार। दिल्ली मेरठ इन एन आर, द RRTS क्या है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS ये है आपका, इज अ न्यू रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड हाई फ्रिक्वेंसी कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। विथ अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट इज़ अ रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव which is designed to provide high speed train for intercity commuting every 15 minutes going up to a frequency of every 5 minutes when required. Developed at a cost of more than 30,000 crore, the train will allow a computer to travel between Delhi and Meerut in less than an hour. Nahi, computer nahi, commuter hi hai. 1 ghante se kam time mein Delhi Meerut idhar aap travel karoge. The total 8 RRTS corridor has been identified for development in the National Capital Region, NCR जो है आपका, उसमें 8 ऐसे RRTS होंगे। 3 RRTS corridor have been prioritized for implementation in the first phase. ये 3 को प्रायोरिटी मिला है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम और SNB अलवर एंड दिल्ली पानीपत। ऑफिस ये दिल्ली गुड़गांव वाला, देखो दिल्ली हो गया, अब आप सारा देखो एन, अब ये NCR एरिया है, ठीक है, ये NCR है, ये बीच में आपका दिल्ली है। इधर हो गया कनेक्टिविटी दिल्ली गुड़गांव, ठीक है, इधर हो गया कनेक्टिविटी दिल्ली आपका क्या कहते हैं मेरठ, ठीक है। आप देखिए इधर में आपका कनेक्टिविटी हो गया पानीपत, और आप इधर में देखिए, हाँ पानीपत हो गया, गुरुग्राम हो गया, गाजियाबाद हो गया, इन 3 को, मतलब आप टोटल देखिए, टोटल एरिया यूपी को कनेक्ट कर लिया, हरियाणा को कनेक्ट कर लिया, इधर में इन्होंने ये पूरा एरिया कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ऑफिशियल्स इन द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर सेड द रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बीइंग डेवलप्ड इन द कंट्री इज ए स्टेट ऑफ आर्ट रीजनल मोबिलिटी सॉल्यूशन कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या क्वेश्चन इसमें हम फेस कर सकते हैं। सबसे पहले RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम, नाम क्या है, नमो भारत।
देखिए है क्या, ये है मेन, यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया है, इज अ न्यू रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड हाई फ्रिक्वेंसी कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम विथ अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और हाई स्पीड ट्रेन फॉर इंटरसिटी कम्यूटिंग एवरी 15 मिनट्स गोइंग अप टू अ फ्रिक्वेंसी ऑफ एवरी 5 मिनट्स व्हेन रिक्वायर्ड। तो दो सिटी है, इसको कनेक्ट करेंगे, हर 15 मिनट में ट्रेन यहाँ से निकलेगी और ज़रूरत पड़ेगा तो उसको 5 मिनट भी करेंगे, हर 5 मिनट में इस यहाँ से यहाँ पे ट्रेन जा रही है। ये क्या है, इसका स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर डिज़ाइन हुआ है, पर आवर डिज़ाइन हुआ है, ये हाई स्पीड है, सेमी हाई स्पीड है, ठीक है, सेमी हाई स्पीड हाई फ्रिक्वेंसी कम्यूटर, ये है इसका टोटल फीचर। तो हमें इतना जानना था, कहाँ है पहले, कहाँ पर हो रहा है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम अलवर, दिल्ली पानीपत, 1 2 3 इन तीन जगह पे पहले करेंगे। और नेशनल कैपिटल रीजन को जो इसको बोलते हैं एनसीआर, डेवलप करने के लिए टोटल इनके पास कितने, आप देखिए, अह एट है, उसमें से तीन को अभी प्रेफरेंस दिया गया है, मैंने आपको बताया दिल्ली मेरठ, दिल्ली गाजियाबाद और दिल्ली आपका गुरुग्राम, गुरुग्राम पानीपत एंड दिल्ली, इधर गया आपका गाजियाबाद। तो ये तीन हमारे अभी प्रायोरिटी से एनसीआर को डेवलप करने के लिए हो रहा है, ठीक है। मोदी जी जैसे बनो यार, हार्ड वर्किंग बनो, दुनिया कुछ भी बोले हमको पता है, अगर हम सही कर रहे हैं तो कर रहे हैं, दूसरे की नहीं सुननी, खुद की करो, सुनो सबकी, करो खुद की। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।